डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट, ये लाइन कभी ना कभी आप लोगों ने तो सुना होगा। तो इस लाइन को आप लोग वेरीफाई कभी किए हो या नहीं, मैंने तो किया है, आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने जब क्लास 10th में पढ़ रहा था, है ना, तो मेरा हिंदी का एग्जाम था, पहला हिंदी का एग्जाम, है ना, उसमें मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, 98 मिला 100 में से, ठीक है ना। तो मेरा कुछ शब्द जो है ना, मुझे कन्फ्यूज हो रहा था बार बार, मुझे जब मैं एग्जाम दे के बाहर आया, है ना, तो एग्जाम तो खत्म हो गए, मैंने तो अपना बेस्ट दे दिया, डू योर बेस्ट, तो मुझे क्या करना चाहिए था, लीव द रेस्ट, है ना, नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं यार, मुझे कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए मैंने गूगल पर सर्च किया, पूरा पूरा दिन खराब कर लिया, है ना। टीचर्स को मतलब फ़ोन करके पूछता था कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, अब मुझे क्या होगा, है ना। इन सब के चक्कर में जो नेक्स्ट एग्जाम है उसमें फ़र्क पड़ रहा था, है ना। अगर उस टाइम पे मैं खाली दिमाग लेके, है ना, लीव द रेस्ट करके अच्छे से पढ़ाई करता नेक्स्ट एग्जाम के लिए, थोड़ा टाइम तो मुझे बच जाता ना, है ना, थोड़ा मेरा दिमाग को रिलैक्सेशन मिलता। तो आप ये सब गलती मत करना, इसलिए आप लोगों को ये मैं बता रहा हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।